लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अजय देवगन की नई फिल्म मैदान का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। अजय देवगन ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया है। आपको बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि मैदान सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक होगी, जिनको फुटबॉल का जनक माना जाता है, और इस फिल्म में अजय सैयद अब्दुल रहीम का किरदार ही निभाते नजर आने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि सैयद अब्दुल रहीम को 1950 में भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में भारत ने कई टूर्नामेंट जीते। 1956 में भारतीय टीम ने मेलबर्न ओलंपिक में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि सेमीफाइनल भारत हार गया था, लेकिन हार के बाद भी भारत ने लोगों का दिल जीता था। सैयद टीम के कोच थे सैयद अब्दुल रहीम की देखरेख में ही भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में 1962 में उस वक्त की बेस्ट टीम साउथ अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। यही दौर था जब इंडिया को फुटबॉल में तमाम सफलताएं मिली थी। इसके बाद भारत को एशिया के ब्राजील के खिताब से भी नवाजा गया था। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए अजय खास तैयारी भी कर रहे हैं। खबरों की माने तो मैदान के डायरेक्टर अमित शर्मा फिल्म के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, और इसीलिए उन्होंने हॉलीवुड से स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर को बुलाया है। इसके अलावा फुटबॉल के खिलाड़ियों से भी बात चल रही है, ताकि वो अजय को उनके स्पोर्ट्स स्किल्स डेवलप करने में मदद कर सके। आपको बता दें कि इस फिल्म में अजय के अलावा साउथ इंडियन एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभाती नजर आने वाली हैं। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई में भी होगी। और अब मैदान का फर्स्ट लुक शेयर करके अजय ने फैंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। तो भाई कैसा लगा आपको मैदान का ये फर्स्ट लुक, बताइए जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।